नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप कौर हैं, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अमेजिंग रहा है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू आप आज हमारे शो में आए। थैंक यू। और मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आप क्यों डॉक्टर बने, कहाँ से आप इंस्पायर हुए। ओके, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने BHMS मैंने लुधियाना से किया और उसके बाद मैंने दो तीन जगह पे प्रैक्टिस किया है। हिमाचल में किया, जम्मू JNK में किया और अभी मैं पिछले करीब 17 ईयर्स से मैं देहरादून में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप जैसे लोग यूजुअली जब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो एलोपैथिक डॉक्टर बनते हैं, एंड अब बिकॉज योगा का बहुत ज़्यादा रुझान है, मोदी जी ने काफ़ी इंस्पायर कर दिया तो लोग आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं, बट होम्योपैथिक पे लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है, कहते हैं स्लो इलाज है। तो आपका कैसे मन हुआ कि नहीं मेरे को होम्योपैथिक स्ट्रीम चुननी है? देखिए, इसके दो जवाब मैं दूंगी। पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी काफ़ी प्रैक्टिस करना काफ़ी डिफरेंट है, मतलब थोड़ा मुश्किल है। मैं कहूँगी इतना आसान नहीं है कि कोई भी इस मतलब उसके लिए एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि होम्योपैथी इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो एक इंसान जिसमें आर्ट भी होगा साइंस भी होगी वही एक अच्छा होम्योपैथ बन सकता है। और जहाँ तक मेरा है कि मैंने इसको चूज़ किया, तो जैसे मैं एक डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मेरे मदर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मेरी सिस्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मेरा ब्रदर एलोपैथिक डॉक्टर है। तो इसकी शुरुआत मेरे नाना जी से एक्चुअली हुई थी। मेरे नाना जी हकीम थे। अच्छा। और रजिस्टर्ड थे उस टाइम के, और पकड़ के ऐसे बता, हाँ एग्जैक्टली वो पल्स देख के बताते हैं। तो फिर मेरे मामा जी होम्योपैथ हैं एक्चुअली, और मेरे मदर भी मैंने बताया कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को बहुत स्टमक एक रहता था। आई थिंक मैं 10-11 साल की रही होंगी। तो मैं फिर बाद में सुना, मुझे मम्मी ने बताया कि तुम किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी, तुम्हारे अल्ट्रासाउंड्स हो गए, सब एलोपैथी ट्रीटमेंट चला। बट फिर मेरे मामा जी ने मेरे को एक मेडिसिन दी थी, उसके बाद मुझे वो पेन कभी नहीं हुआ। तो एक वो बैक ऑफ द माइंड था मेरे को कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। और फिर जब मेरी टर्न आई, मैंने अपना प्लस टू किया मेडिकल में, तो फिर मेरे पास चूज़ करने के लिए था। तो मैंने बोला हर तरह के डॉक्टर्स हैं मेरी फैमिली में, होम्योपैथ नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, अब मुझे होम्योपैथी करनी है। तो अभी आपको कितने साल हो गए होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिस के? मुझे 23 ईयर्स हो चुके हैं अभी। अच्छा, तो जब आप डॉक्टर बनते हैं और फिर आपको इतने साल जब प्रैक्टिस करते हुए हो जाते हैं, तो आई थिंक आपकी थिंकिंग में और मेडिसिन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आपने क्या नया सीखा और क्या नया जाना होम्योपैथी के बारे में जो आपको और इंटरेस्टिंग लगा हो? ओके, एक्चुअली जब हम पढ़ रहे होते हैं होम्योपैथी, तो हमारा अलग ही बैंड ऑफ माइंड होता है। हमें अलग अलग तरह के डॉक्टर्स पढ़ाने आते हैं, हमें मेडिसिन एलोपैथी डॉक्टर पढ़ाते हैं, वो बीच में होम्योपैथी को क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। तो हमारा जो मतलब हम पूरी तरह से जब तक हम फाइनल में पहुँचते हैं तो पूरी तरह से कन्फ्यूज होते हैं कि करना क्या है। मतलब उन्होंने तो हमारी बैंड बजा दी हुई है कि क्या करेंगे अब। लेकिन मैं लकी रही कि मेरे को ना एक ऐसे डॉक्टर मिल गए थे वहाँ पे, जिन्होंने मेरे को निकलते ही गाइड किया कि एक्चुअली मैं क्या करना है। दो तरह का ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में, एक होता है सिम्टोमेटिक और एक जिसको हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसको। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत डिफरेंस है। सिम्टोमेटिक काफ़ी रिलेटेड है एलोपैथी से। आप सिम्टम्स लेंगे और सिम्टम्स लेकर के आप मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, पेशेंट को देंगे, उनको रिलीफ आता है, ठीक है, दे गेट बेटर। लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी बहुत डिफरेंट है। इसमें हमें पेशेंट की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जेनेटिक मेकअप, उनके पॉजिटिव फैक्टर्स के बीमारी पनपी क्यों बॉडी में, किस चीज़ ने उसको कॉज किया, उसको हम टारगेट करते हैं। तो वो मैंने सीखना शुरू किया और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 5 साल तक क्या कर रही थी मुझे नहीं पता था। ओके, 5वें साल में मैंने इस तरह से, जब क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रही थी लोगों को, इनसाइड आउट देख रही थी, तो मैंने वो आइडिया ग्रेस्प करना शुरू किया कि एक्चुअली मैं होम्योपैथी क्या ठीक करती है। तो जब मैंने अपना पहला पेशेंट देखा, मुझे आज भी याद है, कलकेरिया का आपका पेशेंट था, और वो उसकी जब मैंने मतलब इनसाइड आउट उसको देख लिया कि ओके, मतलब इस ये रेमेडी दी, इस वजह से दी और इसलिए ये सारी चीज़ें ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, एवरीथिंग, मतलब डायबिटीज ठीक हो गई, वेट कम हो गया, बॉडी पेन्स चले गए एक ही रेमेडी से, तो फिर मैंने वो सेंस मुझे समझ में आया, तो मैंने फिर उसी पर ही काम करना शुरू किया। इज इट मोर लाइक कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं,
तो आप एक एक करके लेयर्स को क्लीन करते हैं ताकि आप उसका रूट कॉज खत्म कर सकें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बहुत मतलब आपको इस बारे में पता है, मतलब आपसे सीखा था। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो एक मदर के पेट में जैसे वो डेवलप करता है, लेयर्स में करता है, तो इसी तरह से बॉडी में जब हमारे बीमारियां आती हैं वो भी लेयर्स में आती हैं, तो हमें वो लेयर्स से हटानी होती हैं। तो पहली जो सुपरफिशियल लेयर है उसकी डिजीज पहले, उसके डिजीज बाद में जाना चाहिए, जो डीपर लेयर है उसका डिजीज पहले जाना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किन। तो अगर एक पेशेंट आता है उसको हार्ट का भी ट्रबल है और स्किन का भी, तो पहले मैं उसका हार्ट ठीक करूंगी, उसके बाद स्किन की बात आएगी। अगर हम पहले उसकी स्किन पे सिम्टम्स सप्रेस करेंगे तो उसका हार्ट और वीक हो जाएगा। ओके तो मैंने जैसे ये बहुत सुना है कि अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होता है तो आप एलोपैथिक लेते हैं, पर अगर एलोपैथिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होती है, हाई एमजी ले लो हर किसी को सूट नहीं करती है, बट होम्योपैथिक का एज सच मैंने कभी कोई साइड इफेक्ट सुना नहीं है। आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड मैंने ये सुना है कि जब जड़ से बीमारी खत्म करनी होती है, बिकॉज होम्योपैथिक के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, जो आजकल है नहीं लोगों में, पर तब आप होम्योपैथी पे जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होती है, एम आई राइट? एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी नहीं, सारी ही बीमारियाँ ऐसी हैं जो होम्योपैथी से ही ठीक होंगी। एलोपैथी मेडिसिन से आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, और जैसे पेन रिलीफ बहुत वंडरफुल चीज़ है एलोपैथी की, कि अगर आपको पेन है आप पेन किलर लो तो आप मज़े में हो, ठीक है। ऐसे एंटीपायरेटिक है, बुखार उतारना हो तो पैरासिटामोल बेस्ट है। ऐसी और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि लाइफ सेविंग हैं और एक्यूट कंडीशन में काम आती हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास हमेशा बहुत ब्यूटीफुल सिम्टम्स नहीं होते प्रिस्क्राइब करने के लिए। होम्योपैथी की एक है एक्यूट में थोड़ी सी लिमिटेशन मैं बोलूँगी कि हमें कई बार सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि हमारी मोडलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी पर्टिकुलर कंप्लेंट की, तो कई बार एक्यूट में हमें उतनी ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं, तो इमीडिएटली अफेक्ट के लिए एलोपैथी मेडिसिन में जाना पड़ता है। तो उसमें कोई मतलब मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ उसके, लेकिन जब जब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की बात आती है तो तब एलोपैथी में कोई स्कोप नहीं है उसका, तब होम्योपैथी उसको जो कि बहुत लंबे समय से हैं आपको आपकी लाइफ को हमेशा वो कैप्चर करने वाली हैं, वो कभी ठीक नहीं होने वाली हैं, उसके लिए हमेशा आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास ऐसे कोई एग्जांपल जैसे लोगों को समझने के लिए कि किस क्या होती है बिमारी? कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो बार बार होती है आपको यार लगातार आप उसके लिए, जैसे जैसे कि स्किन सोरियासिस हो गया, अच्छा, ठीक है, जैसे पीसीओडी है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जैसे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट है जो आपके साथ रेगुलर रहती है, वीक इम्यूनिटी है अगर आपकी, तो उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी है। आप मेरे को थोड़ा सा इंटेंसिव एनालिसिस के बारे में बताइए कि वो क्या होता है और लोगों को क्यों कराना चाहिए वो, और उसमें क्यों इतना टाइम लगता है? जब भी कोई, जैसे मैंने बताया दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक सिम्टोमेटिक, जैसे आपको मान लीजिए आप मुझे बोलोगे कि मेरे को कल मैंने बाहर कुछ खा लिया था ऐसे मेरे को स्टमक एक है, तो मैं आपको दो सिम्टम पूछूंगी, मेडिसिन दे दूंगी, दिस इज सिम्टोमेटिक, ठीक है। अब आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो मेरे को सिर दर्द रहता है, तो मैं आपको तब मैं उसके लिए इंटेंसिव एनालिसिस करूंगी कि ये क्रॉनिक है और ये क्यों रहता है आपको। उसके लिए सबसे पहले मैं ये जानती हूँ कि जो मेरे सामने बैठा है वो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, मतलब ये मेरा तरीका है कि मैं ऐसा, बहुत सारे होम्योपैथ्स करते हैं, जैसे तीन तरह के किंगडम्स होते हैं आप जानते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम, ठीक है। तो हम जो इंसान हैं हम सभी के अंदर भी गुण होते हैं इन किंगडम्स के, कोई तो एनिमल किंगडम्स के गुण लेकर के पैदा होता है, कोई प्लांट के और कोई मिनरल के। पर एनिमल्स तो इतने सारे हैं तो कैसे पता चलेगा कि बेसिक क्वालिटीज एनिमल्स की, जो बेसिक क्वालिटीज एनिमल्स की, जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई मिनरल किंगडम एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा इस तरह से होगा कि जैसे कहते हैं ना सर्वाइवल के लिए, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है ना कि कुछ भी करके सर्वाइव करना है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली जेलस होगा, जेलसी बहुत ज़्यादा होगी, पुश बैक करना किसी को और अचीव, मतलब सर्वाइव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देना। जैसे एक एनिमल कैसे सर्वाइव करता है, जब वो फॉरेस्ट में रहेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, एग्जैक्टली वो वैसे ही सर्वाइव करता है। अच्छा, और प्लांट किंगडम वाला, प्लांट की बेसिक क्वालिटी है कि उसको कोई नर्चर करे, उसको कोई वाटरिंग करे, उसको कोई पानी डाले, अपना ध्यान नहीं रखेगा वो दूसरे करे, हाँ मतलब अपना वो इतना नहीं रखेगा जितना वो दूसरों से डिमांड करेगा, माँ से बहुत प्यार, माँ मुझे करे, दोस्तों से, कि वो मुझे नर्चर करे।
अच्छा ठीक है। फिर वो ऐसा नहीं कि जैसे प्लांट को अब हम नर्चर करते हैं तो वो इन रिटर्न हमें देता है, ऐसे वो भी देता है। तो जो मिनरल किंगडम है वो थोड़ा बहुत इस तरह से होता है कि जैसे मिनरल उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वो अपने आप को बढ़ाने या कम करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है पूरे साल में। कई बार मिनरल किंगडम और प्लांट किंगडम में डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा और डीप जाना पड़ता है हमको। तो किसी में ऐसा भी होता है कि दो किंगडम एक साथ हों या तीनों के थोड़े थोड़े गुण हों? हाँ, या ऐसा, ऐसा एक ही प्रीडोमिनेंटली एक ही होता है और वो देने के बाद उसकी सारी बहुत सारी कंप्लेंट्स ठीक हो जाती हैं। फिर जो रह जाता है तो फिर कभी हमें फॉलो करना पड़ता है उसको, प्लांट रेमेडी से भी करना पड़ सकता है, उससे भी मिनरल से भी, क्योंकि सब कुछ तो है हमारे अंदर, एनिमल भी है हमारे अंदर, प्लांट भी है, मिनरल भी है, लेकिन क्या फिर प्रीडोमिनेट करता है वो पहले देंगे फिर वो बाद में। तो एक बार हम किंगडम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद वी स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या एग्जैक्टली हैं। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो पेशेंट है वो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, फिर मैं एनिमल किंगडम की जितनी भी मेरे पास रेमेडीज हैं मैं उनमें से बेस्ट सूटेड रेमेडी उसके लिए ढूंढूंगी उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। अच्छा ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आयुर्वेदिक या एलोपैथिक में ऐसा कुछ फाइंडिंग होती है। हाँ उनके वो तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर बता सकते हैं कि कैसा रहता है उनका, बट हाँ ये यूनिक है होम्योपैथी के लिए, है ना, ये यूनिक है। ठीक है, वेरी नाइस। आपने पीसीओडी की बात करी और विद द टाइम पीसीओडी का नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और अब बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो इस डिजीज से सफ़र कर रही हैं। इज देयर अ पर्टिकुलर रीज़न बिकॉज ऑफ द फूड एनवायरनमेंट और इज इट स्ट्रेस और समथिंग दैट गर्ल्स आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ डिजीज? तो सबसे ज़्यादा मैंने मुझे लगा है कि लैक ऑफ एक्टिविटी है। अच्छा, और फूड हैबिट्स हैं ये बेसिक कॉज है। और अगर ये दोनों चीजें इट इज कंट्रोलेबल आप डाइट प्लान करके, और बहुत इसमें बहुत विग्रेस एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं कि आप बहुत अपने आप का अच्छा खासा, मतलब आपको 40 मिनट्स का इंटेंस वर्कआउट करोगे आप, पसीना निकालोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तो वो बहुत हेल्प करता है पीसीओडी को क्योर करने में। और साथ में इंटेंसिव होम्योएनालिसिस है, मतलब रेमेडी सिलेक्शन हो गया अगर तो अपने आप मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है। तो आपके पास बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं पीसीओडी के? तो बहुत, एवरी थर्ड और फोर्थ गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। ओके, एंड यू थिंक इट्स अ थ्रेटनिंग डिजीज फॉर फ्यूचर? एग्जैक्टली इट इज। एंड जैसे अभी समय बदल रहा है तो बहुत सारी नई तरीके की डिजीजेज आई हैं, वैक्सीनेशन आई हैं, तो आई एम श्योर होम्योपैथिक में भी बहुत सारी रिसर्च हुई होगी मेडिसिन को लेके। तो क्या नए आविष्कार हो रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में, और जैसे आने वाली और बीमारियां हैं उनसे होम्योपैथिक के थ्रू कैसे बच सकते हैं या कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ? जो लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, देखिए रेमेडीज़ तो रोज़ ऐड होती रहती है, करेक्ट है, ठीक है, उनकी प्रूविंग भी होती रहती है। मेडिसिन का हमारे पास बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मेडिसिन है, पहले काफ़ी लैक करते थे कि इतना ज़्यादा मेडिसिन नहीं थे, अब तो हर चीज़ से मेडिसिन बन चुकी है जी। लेकिन जहाँ तक अब लेटेस्ट इसकी बात करूँगी तो पहले क्या है, होम्योपैथी को जो हमारी एंटी जो लॉबी है वो हमें क्रिटिसाइज़ करते थे कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो उसमें कोई ड्रग सबस्टांस नहीं है। ओके, कि उसको प्लांट बेस्ड मेडिसिन? नहीं नहीं, एवरी वी मेक मेडिसिन फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम मिनरल्स, एलिमेंट्स, फ्रॉम एनिमल किंगडम ऑल्सो। अच्छा ओके, तो क्या होता है कि एक एवोगैड्रोस नंबर होता है मैथ्स में, आपने पढ़ा है कि 12C डाइल्यूशन के बाद अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो सिर्फ एक प्लेसिबो की तरह दिखता है, उसमें कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल नहीं रहता। और हमारी मेडिसिन जो होम्योपैथी की हैं हम जनरली उनको 30C से शुरू करते हैं। ओके, वो 12C और हम 30C से शुरू करते हैं, तो होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इसके लिए। लेकिन अब जैसे ही एडवांसमेंट हुई, मतलब थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बड़े माइक्रोस्कोप्स आए, तो कोचीन के एक डॉक्टर राजेंद्रन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है नैनोडायनेमिक्स। अच्छा, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ और इसमें उन्होंने जो पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं उनके अंडर उन्होंने हाई पावर की होम्योपैथी मेडिसिंस की के अंदर कितना पोटेंशियल है, नैनो पार्टिकल्स उन्होंने डिस्कवर किए हैं। अच्छा, और अनलिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत हैं। तो ये प्रूव करता है कि होम्योपैथी मेडिसिन सबटल लेवल पे ह्यूमन बॉडी के अंदर जा कर के सबटल चेंजेस लाता है और उसको इनसाइड आउट क्योर करता है।
आई ऑल्सो बिलीव कि पेशेंट का बिलीव होना बहुत ज़रूरी है जब डॉक्टर के पास आता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग आते हैं कि और बोलते हैं हम इससे ठीक नहीं होंगे नहीं होंगे, तो वो ऑलरेडी माइंडसेट ऐसा बना के आते हैं कि हम तो ठीक होने ही नहीं वाले होम्योपैथिक से, है ना, बहुत टाइम लगेगा, नहीं जी एलोपैथिक ले लेते हैं फास्ट हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जैसे मेरी मदर सिर्फ होम्योपैथिक करती हैं फॉलो करती हैं, तो उनको जैसे लोगों को यूजुअली ज़्यादा टाइम लगता है बट वो जल्दी ठीक हो जाती है होम्योपैथिक से, वो साइकोलॉजिकली शी हैज सो मच बिलीव इन होम्योपैथिक मेडिसिन कि नहीं मैं इससे ठीक हो जाऊँगी और इससे बेहतर मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं ये चीज़ पहले देखती थी जब मैं न्यू थी प्रैक्टिस में, तो लोग एक बार आते थे और मतलब उनको एक तो मेरे पोटेंशियल में भी उतनी एफिशिएंट मैंने भी नहीं थी, और दूसरा लोग ना हिट एंड ट्रायल करने आते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी लोगों को जो मेरे पास आते हैं तो उनको पता है कि मैं किस लेवल पे जा कर के काम कर रही हूँ, तो अब वो सीरियसली लेते हैं, आते हैं बैठते हैं तो मुझे पूरा फीडबैक देते हैं। फर्स्ट टाइम मैं 1 मंथ की मेडिसिन देती हूँ क्रॉनिक केसेस में, तो वो आके पूरी तरह से मेरे को सब सिम्टम्स बताते हैं कि एक एक महीने में क्या हुआ क्या नहीं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप एक बार आए और फिर उसके बाद नहीं आए, तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अब लोग आने लगे हैं। और आई थिंक बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है बिकॉज मीठी होती है और ज़्यादा उन्हें वो नहीं करना पड़ता। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने जो सुना है कि जो स्पेशल नीड होते हैं है ना, और उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रही है। बिल्कुल। और एलोपैथिक इतना नहीं असर कर पाती, इस बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें बता पाए। नहीं, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं 7-8 रेमेडीज़ ऐसी हैं कि अगर वो सिमिलैरिटी बन जाती है सिम्टम्स के साथ, पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ, जैसे हम अगर कोई स्पेशल नीड है तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम मदर की वो हिस्ट्री लें जब वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। उस टाइम पे अगर कोई ऐसा पॉजिटिव फैक्टर मिलता है कि जिसने उसकी स्टेट को ख़राब किया हो, उसको इमोशनली डिसबैलेंस करा हो, तो उसका एंटीडोट देने से बहुत बच्चे को, जब हम वो रेमेडी देते हैं जो उस टाइम इंडिकेटेड थी जो वो मदर के पेट में था, तो कई बार बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। किस टाइप के चेंजेस आते हैं, मतलब बच्चा ज़्यादा सेंसिबल हो जाता है या मतलब व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी, उसका ब्रेन जो है वो ज़्यादा अच्छे क्लियरली फंक्शन करने लगता है, चीज़ें समझ बेहतर आने लग जाती हैं। बट वो क्या कंटिन्यूस मेडिसिन चलती है उसकी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार रेमेडी सिलेक्शन हो जाए फिर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि हमें 2-3 महीने मेडिसिन देने के बाद फिर बहुत इनफ्रीक्वेंट डोजेस देते हैं हम लोग, वीकली एक डोज हो गया, मंथली हो गया, बट वो हमेशा चलेगा नहीं, हमेशा नहीं चलेगा, मतलब कुछ टाइम तक, मतलब 1-2 साल तक चल सकता है, 3 साल तक, लेकिन फिर ऐसा कोशिश हम करते हैं कि अगर वो बच्चा किसी वजह से इल हुआ सिक हुआ जहाँ उसको जैसे कोल्ड कफ है ये है, तो हम उसको होम्योपैथिकली ही ट्रीट करें। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, कि आपने जिसके मतलब यू नो इलाज से आपको बहुत खुशी हुई हो कि यार मैंने कर दिखाया, एक वो होता है ना कभी ऐसे बहुत सारे हैं, एक्चुअली बहुत सारे हैं, पर इनिशियल मैं एक बताती हूँ, मैं जो मैं हमेशा मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती हूँ। इनिशियल जब मैं आई थिंक मेरे को 15 दिन हुए थे प्रैक्टिस करते हुए, अभी मैं जम्मू में प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहाँ पे ना सड़क बन रही थी, तो लेबर लेडी थी एक, वो काम कर रही थी, तो उसका हस्बैंड उसको मेरे पास लेके आया, मतलब हमारी शादी को 9 साल हो गए और मेरी वाइफ को बच्चा नहीं होता है, और मैंने कहा अच्छा, तो मैं मेरे को जितना होम्योपैथी आता था बहुत लीन थिन लेडी थी, नहीं थी, मैं 15 दिन हुए थे प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत लीन थिन लेडी थी, इंट्रोवर्ट थी, जो भी हम मैंने इनिशियली जितना मुझे नॉलेज था, तो मैंने उसको CPR मेडिसिन की 1 डोज दे दी 1 ml में, और उसके बाद 15 दिन के बाद वो अपनी वाइफ को लेके आया, वो वॉमिटिंग्स कर रही थी, 15 या 20 दिन की बात होगी, वॉमिटिंग कर रही थी, और आप बोला कि आपकी तो मेडिसिन सूट नहीं करी है, इसको देखो ये वॉमिटिंग करने लगी है, ये है वो ऐसे, तो मैंने उसको बोला कि इसको पीरियड्स कब हुए थे, तो उसने जब पीरियड्स की डेट बताई, मैंने बोला इसका चेक करते हैं, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी उसकी, चमक गया वो बात बता, हाँ मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब तब क्या मतलब स्लीप स्पीचलेस हो जाता है इंसान ऐसी चीज़ सुन के, और फिर इस तरह के जो मेरे को एक्सपीरियंस शुरू में रहे, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर कहीं लैक है वो मेरा है, होम्योपैथी का नहीं है, तो मुझे इसमें मेहनत करनी है, इसका मतलब मुझे इसमें अपना आर्ट और अपनी साइंस को उस लेवल पे लेके जाना है कि आप कुछ चीज़ें ही देख करके आप बोल दो कि हाँ दिस इज़ द रेमेडी। तो अभी भी आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हो इसकी, और इज इट लाइक अनंत काल तक चलने वाली है? हाँ चलने वाली है।
इस पर बहुत किताबें हैं जो मतलब पढ़ने के लिए हैं, बहुत सारी हैं जो मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी हैं जो अभी लिस्ट में हैं कि पढ़नी है, और बहुत काम हुआ है इस पर, बहुत लोग बड़े बड़े दुरंधर बैठे हुए हैं इसमें होम्योपैथी में, ऐसा नहीं है बैठे हुए। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो फिर आई थिंक वो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है आपका। तो अभी आपको जैसे इतने साल हो गए, आपने कहा 23 साल आपको हो गए हैं, तो कभी कभी आपका किसी और फील्ड में भी रुझान होता है कि थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में भी जानूँ या इस फील्ड के बारे में भी पढ़ूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे को रिसेंटली तो मैं अभी ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ कर रही हूँ टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ मोर एक्यूरेटली, और मुझे वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ एग्जैक्टली। और उसके बाद मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया उसमें कि अब मुझे लगता है कि मैं शायद उसमें वो भी करूँगी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें एमए साइकोलॉजी भी करूँ इसके बाद, और उसमें फिर काउंसलिंग, जो काउंसलिंग पार्ट कि मैं जितना अपने पेशेंट को अच्छे से समझ सकती हूँ मुझे पता है कि किस तरह की काउंसलिंग उसको ज़्यादा हेल्प करेगी, तो वो मेरे लिए बहुत, मैं बहुत अच्छा उसमें अपने पेशेंट्स को डिलीवर कर पाऊँगी रिजल्ट्स अगर मैं दोनों चीज़ें कंबाइन कर लेती हूँ, थेरेपी भी, काउंसलिंग भी, एडवाइस भी, और साथ में मेडिसिन भी। तो कभी आप एलोपैथिक या आयुर्वेदिक यूनानी इन ट्रीटमेंट्स में भी आपको कभी रुचि रही कि थोड़ा सा जाने ये क्या है? और हाँ, मैं अपनी मदर को हमेशा पूछती थी, मम्मा ये यूनानी में और आयुर्वेद में क्या फ़र्क है? तो वो, हालांकि उन्होंने यूनानी से किया था और उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब किया वो उनको आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जॉब मिला था, गवर्नमेंट जॉब जो उन्होंने किया, तो मैंने उनको ऐसा पूछा बहुत बार, तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, मेडिसिन सेम है बट कॉन्सेप्ट का फ़र्क है, कि जैसे आयुर्वेद वाले वात के वात पित्त कफ को करते हैं और जो यूनानी है वो पल्स वगैरह देखना, स्टूल चेक करना किस तरह की है, और एट तरह की चीज़ें हैं जो आठ तरह की जो वो देखते हैं। अच्छा, तो यूनानी भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मैंने सुनी है, पर ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं यूनानी। यूनानी में बहुत ज़्यादा आई थिंक मेडिसिन नहीं है, या वो कॉमन मेडिसिन है, वो भी हर्ब से बनती हैं, आई थिंक सेम है, उनका सोर्सेज सेम है और तरीका भी बनाने का शायद सेम है, मुझे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा ठीक है, बिकॉज यूनानी डॉक्टर्स मैंने सुने हैं लेकिन बहुत कम श्रेणी में सुने हैं, मतलब क्योंकि मेरे घर में तो एग्जाम्पल है, मदर ने यूनानी पढ़ा और फिर किया बाद में किया आयुर्वेद में किया। तो आपके तो थोड़ा जीन्स में भी आ गया होगा ना डॉक्टर बनना बचपन में, कि अरे अब सब घर में जब डॉक्टर्स होते हैं बिल्कुल, तो मतलब सब बोलते थे। तो कभी कुछ और भी था मन में करने का या टाइम ही नहीं मिला वो सोचने का, क्योंकि जब से पैदा हुई हूँ तब से यही सुना है डॉक्टर बनना है, मतलब सबको पता था घर में आस पास जहाँ पे हम रहते थे घर पे गाँव में, सबको पता था कि अच्छा डॉक्टर दे बच्चे जी इधर डॉक्टर ही बनना है बस, तो उनसे भी यही सुना, तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ और भी करना है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को लोग भगवान कहते हैं क्योंकि आप जीवन बचाते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल वर्क समटाइम्स, यू नो यू आर नॉट ऑलवेज अर्निंग मनी, यू आर ऑलवेज नॉट ट्रीटिंग, समटाइम्स यू ऑल्सो जस्ट हेल्पिंग एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर एंड एटीट्यूड। सो कभी कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा हो कि जो बस वो दिल से निकला हो और आपने बस कर दिया हो एज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर ओनली, बट इट वॉज मोर काइंड ऑफ, इट हैड मोर काइंड ऑफ अ सोशल एस्पेक्ट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं फ्री ट्रीट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ठीक हो सकते हैं तो क्यों नहीं। तो जैसे कुछ बेड रिडन हैं घर पे लोग हैं, उनकी मेडिसिन जाती हैं, ठीक है उनसे मैं चार्ज नहीं करती हूँ। कोई आके अगर मुझे ये कह दे मैं आपकी फीस नहीं पे कर सकती या मेरे, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं करूँगी फिर, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो बस ये है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ ऐसी चीज़ अगर हम अपने दर्शकों को बता पाए कि होम्योपैथिक क्यों करें, है ना, तो कुछ ऐसा उनके पास कोई रीज़न हो या मोटिव हो कि नहीं वी वांट टू ट्राई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड वी वांट टू हैव मोर पेशेंट्स एंड डील विद इट? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा जो इसमें कह सकती हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पूरी लाइफ करते रहो, और एक आप एक बार किसी भी कोई अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ हो जो बहुत सीरियसली आपको स्टडी करे, आपकी पर्सनैलिटी को, जेनेटिक ट्रेट्स को, आपके सिम्टम्स को, और आपके लिए एक रेमेडी का सिलेक्शन करे। अगर कोई सीरियसली आपको आपके आसपास आपके टाउन में कहीं पर भी कोई ऐसा है तो आपको ज़रूर उसको ट्राई करना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए। हो सकता है जो मेडिसिन आपको पूरी लाइफ खानी है या इतने सालों से खा रहे हो सकता है वो आपकी मेडिसिन छूट जाए और आपको एक होलिस्टिक हेल्थ जो है वो आप अचीव कर पाए। ये तो है। और
बच्चों के लिए होम्योपैथिक बेटर क्यों है? I mean, तो ऑफकोर्स फर्स्ट तो टेस्ट हो गया, मीठी मीठी दवाई। जिस बच्चे ने पहले होम्योपैथी खा ली ना एक बार बचपन में, होम्योपैथिक पेरेंट्स जैसे बच्चा पैदा होता है फिर उसको होम्योपैथी शुरू कर देते हैं, वो फिर एलोपैथी नहीं खाता, फिर वो पेरेंट्स का नाक में दम करेगा कि मुझे तो होम्योपैथी ही दिला के लाओ मीठी दवाई मीठी है। मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में डिस्पेंसरी थी छोटी, वहाँ मिलती थी, तो हम तो कभी कभी ऐसे झूठ बोलते थे खांसी हो रही है ज़रा, तो वो 2-3 रुपये देते थे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एंड आई थिंक अब वो समय आ गया है कि एक बार मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पे अपने पिताजी को लेके गई थी, तो उन्होंने बोला आप तो पेन किलर खा रहे हो, उनको नींद में कोई प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोला हाँ जी, तो उनका ये तो वो बात होगी कि क्लास में शोर हो रहा है तो टीचर ने कान में उंगली लगा दी और उसने शोर सुनाई नहीं दे रहा, पर शोर तो हो ही रहा, फिर जब उंगली हटाई तो वापस शोर होने लगा, तो उनका उसे जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग होम्योपैथी के बारे में और जानें और समझें और चीज़ें अगर उनमें पेशेंस थोड़ा डेवलप करें, जो कि बहुत ज़रूरी है और अब बहुत कम रह गया है लोगों में, तो उन्हें होम्योपैथी की तरफ और आना चाहिए, मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, और जब डॉक्टर बात करता है तो पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़ थी। कभी जैसे नाखून बार बार टूट रहे होते हैं पर हमें पता ही नहीं होता वो डेफिशिएंसी की वजह से टूट रहा है, ये तो हम कहते चलो काम कर रहा था इसलिए टूट गया, बट एवरी थिंग विच इज़ हैपनिंग इन साइड अवर बॉडी आई थिंक इट हैज़ अ रीज़न। एग्जैक्टली। एंड मेरा पर्सनली मानना यह है सबसे पहले वी शुड सॉर्ट अवर मेंटल हेल्थ, देन फूड एंड एवरीथिंग कम्स बाय एंड, बिकॉज अब तो मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन फेस कर रहे हैं एंड गोइंग थ्रू स्ट्रेस, एंड समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो स्ट्रेस है क्या, मतलब रीज़न क्या है स्ट्रेस होने का। तो आपके पास अब जो पेशेंट्स आते हैं डिजीज़ के तो ऑफकोर्स आते होंगे, बट क्या मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा आने लग गए? बहुत बहुत। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स इतना कॉमन है, डिप्रेशन, बाइपोलर। आपको क्या रीज़न लगता है कि ये क्यों बढ़ रहा है इतना? मतलब देखो, सिर्फ मेंटल डिजीज नहीं बढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। हेल्थ का जो एक स्टैंडर्ड होता था वो काफ़ी डाउन हुआ है पहले से, और बढ़ने के साथ साथ ऐसा भी होता है कि अब लोग अवेयर हो गए हैं, अब उनको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, पहले उसको टैग कर देते थे ये तो है ही ऐसा, अब पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो अवेयरनेस बढ़ा है। पागल बोल के भी दिमाग की बीमारी है तो पागल है, इट बिकम्स अ स्टेटमेंट। तो ये भी है, और दूसरा देखो बच्चों के ऊपर कितना स्ट्रेस हो गया, हम जैसे वो पैदा होता है हम सोचते हैं कि ये कुछ करेगा, अचीवमेंट करेगा, ये है वो है, हर कोई उतना मतलब इतना ज़्यादा सबका एप्टीट्यूड या इतना कोई शार्प हर कोई नहीं होता, तो लेकिन अब हर बच्चे को परफॉर्म करना पड़ता है, तो स्ट्रेस लेवल उस वजह से हैं, बच्चों की एंग्जाइटीज एग्जाम्स में बढ़ जाती हैं। डू यू थिंक द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लॉट टू द काइंड ऑफ डिजीजेज वी आर गेटिंग, बिकॉज एवरीथिंग मोस्टली इज पेस्टिसाइड्स एंड पैक फूड एंड जंक फूड, और बच्चे ऐसा तो है नहीं कि अब घरों में ही रह रहे हैं, बाहर जा ही रहे हैं, अगर हम केचप भी ला रहे हैं वो भी प्लास्टिक पैक्ड ही आ रही है, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी नाइस। तो आपको लगता है कि खाना एक बहुत बड़ा मेजर रोल है या देर अदर, ऑफकोर्स देर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट डू यू थिंक द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द काइंड ऑफ मोर डिजीजेज प्रोडक्ट? एग्जैक्टली, मैं कह रही हूँ कि अगर हम अपने घर में फूड बना सकें, धीरे धीरे टाइम आ जाएगा जब लोगों को पता है कि हम बाहर क्या खा रहे हैं, तो लोग अपने घर में छोटा सा गार्डन बना के अपने लिए उगाना शुरू करेंगे, जो पहला वाला टाइम है वो वापस आना ही है, आज नहीं आएगा अब कल आएगा, कल आएगा हाँ। वो तो आना ही है, क्योंकि लोग अब अवेयर तो हो रहे हैं, अब ऑर्गेनिक आउटलेट्स पहले कहाँ इतने थे, अभी खुलने लग गए हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं, बट थोड़ा बहुत मतलब क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है धीरे धीरे करके, तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं है, अडेप्ट भी करती है, कुछ केमिकल्स को अडेप्ट करती है, एलिमिनेट भी करती है, अगर हमारा सिस्टम काफ़ी सक्षम है तो एलिमिनेट करती भी है, लेकिन कब तक कहाँ तक करेगी? और वो भी है ना कि आप घर तक सीमित नहीं रहे, अब आप बाहर जाओगे, खाओगे, पोल्यूशन में जाओगे, यू नो, तो दैट एवरीथिंग मैटर, इज नॉट जस्ट वन थिंग। इज देयर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू स्टे लिटिल मोर हेल्दी एंड कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ? कहते हैं ना लिविंग इन अवेयरनेस, मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप जो भी कर रहे हो उसको वॉच करो, जो सोच रहे हो उसको वॉच करो, जो खा रहे हो उसको वॉच करो, अवेयर रहो, आप देखो कि आप क्या कर रहे हो,
मुझे लगता है ये बेस्ट है। अगर आप जो कोई बता रहा है, मतलब मैंने ये देखा है मेरे अपने सर्कल में नॉन मेडिकल्स मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ लो, वो हर चीज़ के बारे में आपको कुछ ना कुछ एडवाइस आपस में देंगे, ये कर लो वो कर लो। एक मैं होती हूँ जो साइलेंट होती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, जो कुछ डॉक्टर हाँ वो मैं मुझे भी एडवाइस दे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी कुछ भी कहता तो नहीं सुन लो, ठीक है। अगर आपको गूगल करते हो, आप गूगल में कुछ पढ़ लेते हो, उसमें फिर आप घबराते हो कि कितना कुछ लिखा रहता है गूगल पे, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो अगर आप हाँ तो अगर आप कुछ गूगल पे सर्च करो, कोशिश करो रिसर्च पेपर्स पढ़ो, ना कि कुछ भी ऐसे ही पढ़ लो, जो कि ऑथेंटिक है, प्रूवन है, उनको पढ़ोगे तो फिर भी उसमें कुछ नॉलेज है। तो जस्ट बीइंग एन आई थिंक मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट करे हों और किसी भी विषय में करे हों, सब लोगों ने ये बात ज़रूर बोली है कि वी डोंट हैव अवेयर एंड कॉन्शियस पीपल अराउंड इवन टू सेव एनवायरमेंट और टू प्रमोट मोर कल्चर और टू बी इन अ मोर मेडिटेटिव स्टेट और एक दूसरे को समझने से लेकर मेडिसिन से लेकर। आई थिंक एवरीबडी एट सम पॉइंट टोल्ड मी कि एक अवेयर ह्यूमन बीइंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सब अपने आप में अवेयर हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एलिमिनेट हो जाएंगी और ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे चले जाएंगे और आप एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं एटलीस्ट आगे वाली जनरेशन के लिए। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज टिल नाउ विच आई हैव गॉट इज बीइंग एन अवेयर एंड अ कॉन्शियस पर्सन, बिकॉज आई थिंक जानवरों में और इंसानों में एक सिर्फ कॉन्शियसनेस का ही फ़र्क है जो हम इवन मैं कहती हूँ इंसानों से एनिमल्स बेटर हैं। उनके उनके अंदर इंस्टिंक्ट होती है राइट की और रॉन्ग की, हम ये लैक करते हैं। और हमने अवेयरनेस थी, हमारे अवेयर हो सकते थे हम, वो हमने लैक कर दिया, हमने छोड़ ही दिया, तो हम तो उनसे भी खराब हो गए। हाँ मतलब आई एम सेइंग कि हमारी एबिलिटी है कॉन्शियस अवेयर रहने की, तभी हम और भी मतलब हम पूरी यू नो अपने हम बहुत बेटर हो सकते हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको बचा सकते हैं। तो अगर इंसान नेचुरली अवेयर हो जाएगा तो वो अच्छा खाएगा, पोल्यूट कम करेगा, चीज़ें बेहतर होगी, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। और एक चीज़ और मुझे ऐसी लगती है कि आजकल भागा दौड़ी में हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और खाना खाना ही भूल जाते हैं, बिकॉज हमें और कमाना है पता नहीं किसके लिए, बाकी सब और खाना थोड़ा सा है और उसी उसको भी हम टीवी के सामने खाना खा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। मतलब तो पहले जैसे वो हमेशा हम प्रे करते थे और खाना खाते थे कि प्रसाद है, और प्रसाद जैसा ना मिलता है ना खाया जाता है तो फिर वो निकलता है और बॉडी के साथ ट्रीटमेंट भी उसका वैसे ही होता है। सो थैंक यू सो मच आजा भाई। और अभी आई थिंक मैं आपके साथ और भी बातचीत करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में, बिकॉज अभी हमने बहुत बेसिक एलिमेंट्स छुए हैं। वी कैन गो इन मोर डिटेल एंड वंस वी नो व्हाट आवर ऑडियंस वांट्स टू हियर मोर एंड नो मोर अबाउट, मे बी देर आर पर्टिकुलर डिजीजेज दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट, दे वॉन्ट टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट देम। बट थैंक यू सो मच आज आप आए और आपने हमें होम्योपैथिक इलाज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी एंड क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी कुछ और जानने की। सो थैंक यू एंड वी होप टू सी यू अगेन एंड आई विल कॉल यू फॉर मोर पॉडकास्ट। थैंक यू।